राजस्थान के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति टुन्नू चिड़ा और एक प्यारी सी बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहा करती थी। वे सब बहुत ही गरीब थे। उनके पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें वे सब्जियां उगाया करते थे। ऐसे ही एक दिन टुन्नू अपनी पत्नी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी मैं क्या कहता हूँ, इस बार हमारे टमाटर की फसल कितनी अच्छी हुई है ना, इसे देखते ही मेरा सीना चौड़ा हो गया। अगर हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेचेंगे तो इससे हमें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम अपनी पिंकी का एडमिशन अच्छे स्कूल में करवा पाएंगे। हाँ टुन्नू जी, आप ठीक कह रहे हैं। कल सुबह होते ही हम इन टमाटरों को तोड़कर बाजार में बेच देंगे और अपनी पिंकी का एडमिशन अच्छे से स्कूल में करवा देंगे। उस दिन दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे। वे पूरे टाइम अपने फसल के ही बारे में बात कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है ना कि किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अचानक उसी रात इतनी जोर से बारिश आती है कि टुन्नू की सारी फसल खराब हो जाती है, जिसे देखकर टुन्नू और टुनटुनी फूट फूट कर रोने लगते हैं। टुनटुनी, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई। इस बारिश ने तो हमें बर्बाद ही कर दिया। मैंने अपनी सारी कमाई इस फसल में लगाई थी और वो भी खराब हो गई। अब तो हमारे पास राशन खरीदने तक के पैसे नहीं है। अब हम क्या करेंगे टुनटुनी? अजी, आप परेशान ना होइए। भगवान जो भी करता है सब हमारे भले के लिए ही करता है। आप इस तरह उदास ना हो। हे भगवान, हमने तो किसी का बुरा नहीं सोचा, आप हमारे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं? हमसे किस जन्म का बदला ले रहे हैं भगवान? वे दोनों पति पत्नी उदास मन से अपने घर चले आते हैं। जैसे ही वे अपने घर आते हैं, बाहर किसी के पुकारने की आवाज आती है। तभी टुनटुनी बाहर आकर देखती है तो उसके सामने एक प्यारी सी चिड़िया दिखाई पड़ती है। वो टुनटुनी से कहती है, बहन, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर आपके पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो ना बहन। ठीक है बहन, आप यहीं पे रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जैसे ही टुनटुनी चिड़िया उसे कुछ खाने को देने जाती है तो वो देखती है वहाँ पर वो चिड़िया नहीं होती है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया सोचने लगती है, अरे अभी तो वो चिड़िया यहाँ पर थी, अभी मुझसे खाना मांगकर अचानक से कहाँ गायब हो गई? और घोंसले में ये टमाटर किसने रखा है? चलो इस टमाटर को अंदर रख देती हूँ, जिसका होगा वो खुद लेने आ जाएगा, नहीं तो बाहर कोई पक्षी इसे खा जाएगा। उन टमाटरों को लेकर टुनटुनी चिड़िया अपने घर के अंदर आ जाती है। तभी वहाँ उसकी बेटी आती है और उससे कहती है, माँ आज मुझे मैगी खाने का मन कर रहा है, आप मेरे लिए मैगी बना दो ना। पिंकी बेटा, हमारे पास खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैंने मीनू आंटी के घर से कुछ तरबूज मांग के लाए हैं, मैंने काट के रखा है, तू उसे खा ले बेटा। लेकिन माँ, आज मेरा मैगी खाने का बहुत मन कर रहा है। पिंकी चिड़िया के इतना कहते ही वहाँ कटोरे से भरा मैगी आ जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया हैरान हो जाती है, अरे अरे अरे, ये मैगी कहाँ से आ गई? माँ, ये तो जादू हो रहा है। आपने जब से इस टमाटर को अपने घर में लाया है तब से ये चमत्कार हो रहा है। मुझे लगता है ये टमाटर जादुई टमाटर है।
होता। टुनटुनी चिड़िया के इतना कहते ही उसका घर बहुत ही बड़ा और सुंदर सा हो जाता है। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। अरे हाँ पिंकी, ये टमाटर तो जादुई टमाटर है। उसके बाद वे सभी उस जादुई टमाटर से अपने लिए अच्छी अच्छी चीजें मंगाने लगते हैं। उसके बाद वे सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। हिमालय के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी मासी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी, क्योंकि उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी। धीरे धीरे टूनी चिड़िया बड़ी होने लगी और उसकी दोस्ती बंटी कबूतर से हो गई। वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। एक दिन उसकी मासी उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेती है। अरे करमजली, मैंने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के रखा था। अच्छा होता तू अपनी माँ के साथ ही मर जाती, मुझे ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। आने दे तेरे मौसा जी को, मैं उनसे तेरी शिकायत करती हूँ। इस घटना के बाद टूनी चिड़िया टुनटुनी को एक कमरे में बंद कर देती है और कुछ दिनों बाद टुनटुनी की शादी एक गरीब परिवार में टुन्नू चिड़ा के साथ कर देती है। उसका पति टुन्नू चिड़ा मजदूरी का काम करता था। टुनटुनी चिड़िया उसे अपनी किस्मत समझकर ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने कमरे में बैठी होती है, तभी वहां उसकी सास मीनू चिड़िया उसके पास आकर बोलती है, अरे बहू, अपने सारे गहने मुझे दे दे, मैं इसे बेचकर तेरे ननद की शादी करूंगी। लेकिन माँ जी, ये गहने तो मेरी माँ की निशानी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। देख बहू, आज तो तूने जबान चला ली, आज के बाद अगर चलाया ना तो तुझे काट कर फेंक दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। डर के मारे टुनटुनी चिड़िया अपने सारे गहने अपनी सास को दे देती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और टुनटुनी दो बेटियों की माँ बन जाती है। एक दिन वो अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब मुझसे घर का काम अकेले नहीं होता और माँ जी दोनों बच्चियों को भी नहीं संभालती है। उनसे बोल दो, या तो वो बच्चियों को संभाल ले या मेरे साथ घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दे। क्यों रे करमजली, मेरे बेटे को भड़का रही है, बेटियों का बहाना करके खुद आराम करना चाहती है। इतना कहकर मीनू चिड़िया टुनटुनी से लड़ाई करने लगती है। अब तो घर में रोज रोज लड़ाइयाँ होने लगती हैं। तंग आकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों के साथ एक दिन ससुराल को छोड़ देती है और वो भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां वो देखती है कई सारे पक्षी चूड़ी बेच रहे होते हैं। वो एक चिड़िया के पास जाकर बोलती है, बहन, मैं भी चूड़ी बेचना चाहती हूँ। अगर आप मुझे चूड़ी बेचने का काम दिला दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है बहन, ये लो कुछ चूड़ियाँ, इसे बेच आओ, इसमें जो भी मुनाफा होगा हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। उस दिन के बाद से टुनटुनी चूड़ियाँ बेचने लगती है। उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसकी सारी चूड़ियाँ बिक जाती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया अपनी चूड़ी बेचकर अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।